Hello everyone, in this video we will start with the government schemes and initiative in health sector. इस वीडियो में हम जून से लेकर नवंबर 2019 की गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. ये जो परियोजना है ये लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा. इसका एम है कि क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे गरीब मासेस तक पहुंचाई जा सकें, और इनको पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्पेशल केंद्र खोलेगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र. ओके, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया. इसको इस्टेब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ही. ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. ये जो योजना है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा. और इस स्कीम में होगा क्या, इस स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है कि जैसे आप किसी भी स्कीम को लाभकारी हैं तो आपके अकाउंट में पैसा जो है वो डायरेक्टली आ जाता है. तो इसमें होगा क्या स्पेसिफिकली, इसमें जो कैश बेनिफिट्स हैं वो प्रेग्नेंट वुमेंस को दिए जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, ताकि वो अपने न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर सकें और अपने जो वेज लॉसेस हैं उनको भी कंपनसेट कर पाएँ. ये जो स्कीम है इसमें प्रेग्नेंट वुमेन पर प्रति प्रेग्नेंट वुमेन को 5,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, और जो इस स्कीम में एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे उनको कैश इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. एक और स्कीम है उसके अंतर्गत भी जिसका नाम है जनानी सुरक्षा योजना. तो एवरेज हम देखें तो पर वुमेन 6,000 रुपीस देंगे गवर्नमेंट. द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स. ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में. इसका मेन रोल है कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलाए जाएँ किससे रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, डेमोग्राफिक रिसर्च से रिलेटेड, बायोलॉजिकल स्टडीज़ की जाएं और क्वालिटिव एक्सपेक्ट निकाला जाए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए. इसका फंक्शनिंग कैसे होगा, ये ऑटोनोमस बेसिस पे चलेगी और ये सेंट्रल के द्वारा ही इसको स्पॉन्सर किया जाएगा 100% ग्रांट इन एड बेसिस पर ईयर टू ईयर. और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये जो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस में खुलेंगे वही इनको कंट्रोल करेंगे. और आगे ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा फुली फंडेड हैं और इनको गवर्न भी उन्हीं की गाइडलाइंस के द्वारा किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ अस्तरिया पोषण माह. ये है क्या, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नीति आयोग के द्वारा, ताकि पोषण अभियान को एक अच्छा खासा पुश दिया जाए. पोषण अभियान है क्या, इसमें मेजर कवरेज दिया जाता है माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए. एक विजन है माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए एक टारगेट अप्रोच के द्वारा 2022 तक. पोषण माह में किया क्या जाएगा, सिटीजन पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्टिविटीज़ का होगी, जैसे कि प्रभात फेरी, पोषण मेला, नुक्कड़ नाटक, स्कूल बेस्ड इवेंट्स होंगे जिनमें मैसेज दिया जाएगा लोगों को कि न्यूट्रिशन की हमारे जीवन में, जीवन शैली में क्या इम्पोर्टेंस है. इसको जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको 8 थीम्स में रखा गया है. इनका वैसे मीनिंग जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इनका नाम पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं अगर ऑप्शंस में आ जाए तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी हो. द थीम्स 8 थीम्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ एंटीनेटल केयर, सेकेंड वन इज़ ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग, थर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, फोर्थ वन इज़ एनीमिया, फिफ्थ वन इज़ ग्रोथ मॉनिटरिंग, सिक्स्थ वन इज़ गर्ल्स एजुकेशन, डाइट एंड राइट ऑफ मैरिज, सेवन्थ वन इज़ हाइजीन एंड सैनिटेशन, एट्थ वन इज़ फूड फॉर्टिफिकेशन. फॉर्टिफिकेशन होता है कि फूड के की न्यूट्रिशन वैल्यू को इन्हांस करना, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इन्हांस करना. हमारी गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम या कहीं पायलट बेसिस पे एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें क्या होगा कि हमारा जो राइस है, कुछ हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स में राइस जो है वो स्टेपल क्रॉप की तरह है, जिस लोग मतलब उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. बट उससे क्या होता है, जब हम एक ही डाइट कंज्यूम करते हैं तो हमारे में न्यूट्रिशंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो राइस फोर्टिफिकेशन करेगी उसमें क्या होएगा, राइस में अच्छे जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड किया जाएगा, ताकि लोगों में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो पाए अगर वो स्टेपल क्रॉप ही खाते हैं ज़्यादा. तो
नेक्स्ट वन इज आयुष्मान भारत योजना। ये जो स्कीम है ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है और इसे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें है क्या, ये जो पूरी की पूरी स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, ये एक एम्ब्रेला है, ठीक है। टू मेजर हेल्थ इनिशिएटिव चलाए जाएंगे इसके अंडर। द फर्स्ट वन इज़ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे और दूसरा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। द फर्स्ट वन जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में होगा क्या, जो एग्जिस्टिंग है 1.5 लाख सब सेंटर्स हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड, उन्हीं में ही उन्हीं को ही इसकी फॉर्म में ढाल दिया जाएगा जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि इसमें जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होंगे इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है उनके लिए भी केयर प्रोवाइड की जाएगी, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। द लिस्ट है ये, द फर्स्ट वन इज़ प्रेगनेंसी केयर एंड मेटर्नल हेल्थ सर्विसेज, सेकेंड वन इज़ नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ सर्विसेज, थर्ड वन इज़ चाइल्ड एंड हेल्थ, नेक्स्ट क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिजीजेज, नेक्स्ट वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, आगे है मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, मेंटल इलनेस एंड डेंटल केयर, एंड लास्ट वन इज़ आई केयर। इसका दूसरा कंपोनेंट जो है उसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। इसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोला जाता है। और इसमें होगा क्या, बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपीज़ तक, ओके। इसमें इस कवर में ऑलमोस्ट सभी तरह की केयर मौजूद है, जैसे कि सेकेंडरी केयर और मोस्ट ऑफ द टर्शरी केयर प्रोसीजर्स, ओके। इसमें इसमें गवर्नमेंट ने ये एक अच्छी बात की है कि कोई भी पर्सन छूटना नहीं चाहिए, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली। इसलिए फैमिली का जो साइज़ है, अगर 15 लोग भी हैं तो वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, किसी भी एज के हो सकते हैं वो लोग। और इसमें एक है, एक कंपोनेंट है बेनिफिट में, जो 5 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा उसमें है कि इसमें जो हॉस्पिटल जाने का और हॉस्पिटल से आने का खर्चा होता है लोगों का, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और ये है कि ये स्कीम के बेनिफिट आप कंट्री में किसी भी हॉस्पिटल में जाके अवेल कर सकते हैं, इसमें ऑल ओवर द कंट्री ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। और इसमें कैशलेस बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑल ओवर द कंट्री में। और जो जो बेनिफिशरीज हैं वो अपने जो बेनिफिट्स है वो अवेल कर पाएंगे दोनों ही हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट भी और पब्लिक में भी। और इसमें क्या किया गया है, इसमें स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी दी गई हैं। कुछ स्टेट्स एंड यूटीज़ है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकती हैं रेट्स को अपने ही बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग, ओके। सो आफ्टर द स्कीम द मेजर पार्ट होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ एजेंसी, उसको ही इसका जो कार्यभार है वो सौंपा गया है। और स्टेट्स और यूटी की बात करें तो उनको एडवाइस किया गया है कि वो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन स्टेट हेल्थ एजेंसी के अंदर करें। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बहुत अच्छा खासा स्टेप है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को देने के लिए। और दूसरा हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है थर्ड, जिसका नाम है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसको पूरा करेगा ये। और गवर्नमेंट ने किया है इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारा नेशनल हेल्थ एजेंसी है उसको रीस्ट्रक्चर करके उसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बना दिया जाएगा, ताकि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, ओके। द नेक्स्ट वन इज एक कैंपिंग है जिसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा, ओके। इसमें है कि ये जो कैंपिंग चलाया गया है इसमें एम रखा गया है कि हम इम्प्रूव करेंगे और एक्सपेंड करेंगे टीबी के रिलेटेड जो केयर सर्विसेज हैं उसको पूरे कंट्री तक पहुंचाया जा सके 2022 तक। और इसमें एक तरह का सर्वे किया जाएगा जिसका नाम है नेशनल टीबी प्रेविलेंस सर्वे। इसमें देखा जाएगा कि ऑल ओवर द कंट्री कितना टीबी का प्रेविलेंस है अभी तक। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने
एक वैन चलाई इसके अंदर, जिसका नाम नेशनल टीबी प्रिविलेंस सर्वे के अंदर, और इसमें 25 वैन्स होंगी जो सर्वे करेंगी, और वो जाएंगी, 625 क्लस्टर्स है ऑल ओवर द कंट्री, चेक करेंगी टीबी को, ठीक है। इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा 2020 के एंड तक, ये जो सर्वे है पर्टिकुलरली। और थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इसके बारे में, कुछ स्टैट्स भी हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी है। दो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़, 2018 में 2.5 लाख टीबी केसेस रिपोर्ट हुए थे गवर्नमेंट को, और 2017 में जो थे वो था 18 लाख। तो एक इंक्रीज देखने को मिला था पूरे एक साल के अंदर ही 17% का। और दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया था ग्लोबल फंड टू लॉन्च JEET, जिसका नाम है जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी। एक प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट प्रोग्राम है जो हमारे कंट्री में ही 45 सिटीज में फैला हुआ है। द थर्ड वन इज, इन अप्रैल 2018 की बात अगर हम करें तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, योजना जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। इसमें क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है ये एक तरह का, जिसमें टीबी पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें होगा क्या, टीबी पेशेंट्स हर मंथ पर पर्सन एक 500 रुपये का अमाउंट उनके बैंक में दिया जाएगा उनकी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर पाएं। सो नेक्स्ट वन इज ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये एक मूवमेंट था, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। तो इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं क्या क्या इसमें बताया गया। द फर्स्ट वन इज बैलेंस डाइट, ईट लेस एंड ईट टाइमली। सेकेंड वन इज ईट डाइवर्सिफिकेशन, ईट वराइटी, कि हमें वैरायटी में खाना चाहिए, एक ही फूड, जैसे स्टेपल क्रॉप के बारे हमने देखा राइस, उसी को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज एलिमिनेट टॉक्सिक इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट, और अगला है रिड्यूस कंजप्शन ऑफ सॉल्ट शुगर एंड सेचुरेटेड फैट्स, एंड द लास्ट वन इज ईटिंग फोर्टिफाइड स्टेपल्स टू एड्रेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसीज। सो नेक्स्ट वन इज फूड सेफ्टी मित्र स्कीम। इसमें क्या है, ये जो स्कीम है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें होगा क्या, मोटिवेट किया जाएगा इंडिविजुअल्स को कि वो फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को ध्यान में रख के ही खाएं। इसमें होगा क्या, एक इंडिविजुअल होगा जो जिसको वो सर्टिफाई किया जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, वो उसी के रूल्स एक्ट के अकॉर्डिंग और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। उसको 3 अवतार्स उन्होंने दिए हैं, जिसका नाम है डिजिटल मित्र के तौर पे वो काम करेगा, ट्रेनिंग ट्रेनर मित्र के तौर पे वो काम करेगा, और हाइजन मित्र के तौर पे वो काम करेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज नाइन्थ वन, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2019। ये भी हेल्थ सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, हम देख लेते हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है 2019 में, जिसका नाम है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। और इसमें है कि उन्होंने बताया है कि जो वर्ल्ड है वो ट्रैक पे नहीं है अपने एक माइलस्टोन को रीच करने के लिए, जो है 2020 तक हमें जाना था, जिसका नाम है एंड टीबी स्ट्रेटजी। ये है क्या, इसमें था कि हमें एम रखा गया था कि हम रिड्यूस करेंगे टीबी को बाय 20% फ्रॉम 2015 टू 2018 तक, पर ऐसा हो नहीं पाया। और देखा जाता है कि 2015 और 2018 के बीच में ओनली हम 6.3% ही टीबी केसेस है जिनका डिक्लाइन देखने को मिला है। और अगर हम 2018 की स्पेसिफिकली बात करें तो 7 मिलियन न्यू केसेस हमें नोटिफाई किए गए हैं टीबी के, ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक इंक्रीज देखने को मिला है 6.5 मिलियन का 2017 में। तो फर्दर जो केसेस हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के और रैम्पिपिसिन रेजिस्टेंस के, वो भी इंक्रीज हुए हैं। ये जो रैम्पी एम्फिसिन है ये एक ड्रग है जो फर्स्ट लाइन में दिया जाता है टीबी को ट्रीट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, इसका शॉर्ट फॉर्म है सुमन। ये जो है इनिशिएटिव है, ये एक प्रेग्नेंट सॉरी ये इसलिए है कि जो हम देखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी डेथ्स हो जाती हैं, या जो वुमेन होती हैं उनकी डिलीवरी से पहले ही मौत हो जाती हैं, या आफ्टर
जब वो बेबी को बर्थ देती हैं तब उनकी मौत हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑल ओवर द कंट्री उनको जो है वो कॉस्ट ज़्यादा ना देनी पड़े और उनको फ्री और ज़ीरो टॉलरेंस के ज़रिए ही सर्विसेज दी जा सके, तो उसके लिए ये शुरू किया गया है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में ही दिया जाएगा ये। इसमें है क्या, प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको, मदर्स जो हैं उनको आफ्टर द 6 मंथ डिलीवरी, और जो न्यू बॉर्न हैं सिक बच्चे जो बीमार हो जाते हैं जन्म के बाद ही, उनको फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज मिलें ऑल ओवर द कंट्री। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इसमें और एक बेनिफिट भी दिया गया है, जो गवर्नमेंट है वो फ्री ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी जो ये पेशेंट्स होंगे उनको घर से लेके हेल्थ इंस्टीट्यूशन तक, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ज़ीरो एक्सपेंस झेलना पड़ेगा सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ में। तो ये सब हमने डिस्कस किया आज इस वीडियो में। नेक्स्ट हम किसी और सेक्टर की गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।